भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ उसी के नेता बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने कल दही हंडी उत्सव के दौरान एक ऐसा ही विवादित बयान दिया जिसका जवाब पुणे की एक मीनाक्षी नाम की लड़की ने दिया है। मीनाक्षी का जो वीडियो है वो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मीनाक्षी ने राम कदम को ओपन चैलेंज किया है। इस चैलेंज में मीनाक्षी ने क्या कहा, आइए देखते हैं वीडियो। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय रौद्र शंभू। मी मीनाक्षी गणेश डिमळे पाटील, पुण्याहून। काल घाटकोपर दहीहंडी उत्सवामध्ये राम कदम यांनी एक वक्तव्य केलं। तुम्हाला मुलगी आवडली की मला एक कॉल करा, मी तिला उचलायला मदत करतो। राम कदम, तुम्हाला मी चॅलेंज करतीये, मला तुम्ही मुंबईमध्ये बोलवा किंवा मी मुंबईमध्ये येते, मला फक्त तुम्ही एक बोट लावून दाखवा, बाकी पुढचं उचलून न्यायची गोष्ट मी नंतर बघते। तुम्ही जे वक्तव्य केलेलं आहे ते अत्यंत लांछनास्पद आहे। शिवाय आपण महाराष्ट्रात राहतो, हा महाराष्ट्र शिवरायांचा आहे, इथं स्त्रीला देवाऱ्यातली देवी समजतात, त्यामुळे तुमच्या ह्या असल्या घाणेड्या वक्तव्यांची ना इथं महाराष्ट्रामध्ये जागा नाही आहे। तुम्ही जे काही प्रकरणावर बोललेला आहात ना त्याचं मला तुमच्याशी शहानिशा करायची आहे। भेटूयात आपण आमने सामने, तुमच्या फोनची मी नक्कीच वाट बघेन। आजपर्यंत तुम्हाला मी खूप कॉल केले होते, याच्या आधी पण तुमच्या काही वक्तव्यांवर केले होते, आणि शिवाय आत्ताही केले होते तुम्हाला कॉल मी, पण तुम्ही कॉलचं आन्सर केलेलं नाही आहे। आता प्रतीक्षा मला तुमच्या कॉलची आहे सर, नक्की कॉल करा मला। ओपन चॅलेंज तुम्हाला आहे, चॅलेंज तुम्ही स्वीकारावं हीच माझी अपेक्षा आहे। धन्यवाद। राम कदम ने कल दही हंडी उत्सव के दौरान ये साफ साफ कहा कि अगर आपको लड़की पसंद है और लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो आप हमें बताएं, हम उनको अगवा करके आपसे शादी कराएंगे आपके माँ बाप के सामने। ये बात बहुत तेजी के साथ वायरल हो गई। हालांकि उस समय ये बात कहते हुए राम कदम और उनके साथी तो जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे ही नहीं पा रही है। दही हंडी कार्यक्रम राम कदम का काफी मशहूर होता है जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, लेकिन ऐसे मंच पर इस तरह का विवादित बयान देना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। आगामी 2019 का लोकसभा चुनाव और 2018 में विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का ये भाषण ये बयान भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर।